बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं शायद खान अफरीदी और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निक्स ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम दो तीन चार दफ़ा मैंने चेंज किया। उसकी मेन वजह यह है कि मार्बल के हवाले से जो है ना मेरी वीडियोज़ होती है, ग्रेनाइट के हवाले से मेरी वीडियोज़ होती है, तो उसके बिहा पे अभी जो मैंने नाम चेंज किया टेक्निक्स ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट, यानी कि हम टेक्निक वे पे जो है ना सारी चीज़ें बताते हैं मार्बल और ग्रेनाइट के बारे में, कि मार्बल किस तरह यूज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा मार्बल कहाँ के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसे में जो है ना एक बेहतरीन वीडियो अभी जो है ना इस वक्त हम आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे, सिंपल वाइज शेयर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का बटन टिंग करके प्रेस करें। वेल, तो हम चलते हैं वीडियो की जानिब। स्कर्टिंग, आपने जैसे जो है ना तमिल में देख लिया कि स्कर्टिंग क्या चीज़ है। कुछ लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन लेते हैं कि यार मार्बल तो लगा दिया, अब स्कर्टिंग कौन सा लगाए, टाइल लगा लिया स्कर्टिंग कौन सा लगाए, और सीढ़ी तो लगा दी कि स्कर्टिंग इसके बाद कौन सा लगाए। तो मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों से थोड़ा सा जो है ना शेयर कर लेता हूँ कंट्रास्ट वाइज, और सेम बिल्कुल जो है ना जिस तरह मार्बल होता है उस तरह जो स्कर्टिंग होती है। तो आइए मेरे साथ, हम आपके साथ जो है ना शेयर कर देते हैं। वेल, तो सबसे पहले मैं जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना ये स्कर्टिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है, आप इसको करीब से देख सकते हैं, ये टर्वेरा है, ठीक है। ये टर्वेरा है, टिपी है, इसको हम टर्वेरा मार्बल के साथ, टिपी मार्बल के साथ लगा सकते हैं। जैसे पीछे मेरे पास ये मार्बल जो है नज़र आ रहा है और ये वाला मार्बल नज़र आ रहा है, इसके साथ आप ये स्कर्टिंग लगा सकते हो। एक चीज़ और है, अगर कोई कंट्रास्ट के ऊपर जाना चाहे तो उसका भी हल है मेरे पास। मैं आप लोगों के साथ स्कर्टिंग जो है ना शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से कलर के होते हैं और आप उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्कर्टिंग है, ये टर्वेरा का मार्बल है, और ये इसकी जो थिकनेस है वो 4 सूत की होती है, जो चौड़ाई होती है इसकी 4 इंच की होती है, लंबाई इसकी 24 इंच की होती है। बेहतरीन अगर स्कर्टिंग आपने घर में यूज़ करना है तो 4:24 में यूज़ करें, उसके अलावा 6:24 या दूसरे इसमें यूज़ करोगे तो वो बुरा लगता है। तो वेल, मैं आप लोग से दूसरा जो है ना शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से कलर है। अच्छा, ये वेरोना, इसको आप वेरोना में इस्तेमाल कर सकते हो। आप पीछे देख सकते हैं ये वेरोना मार्बल है, इसके साथ आप ये फ़र्श के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप एक चीज़ और आपको दिखाता जाऊँ, ये है टाइल। अच्छा, ये ब्लैक टाइल है, सिरामिक टाइल, इसको पीछे से आप देख सकते हो, ठीक है। ये सिरामिक टाइल है, बाज़ औक़ात लोग जो है ना फ़र्श के ऊपर स्कर्टिंग लगाते हैं, इस टाइल की स्कर्टिंग लगाते हैं, ठीक है। और इसकी मेन वजह ये है कि मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसका जो ऊपरी सतह होता है छिलका होता है, अगर इसको किसी नोकदार चीज़ से जो है ना रगड़ा जाए तो ये ख़राब हो जाता है, इसकी पॉलिशिंग जो है ना डिम हो जाती है, और फिर बाद में जो है ना ये आप ये समझ लीजिए कि इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। वेल, अगर किसी ने लगाना है तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट रिलायबल है उनके लिए, मोस्ट रिलायबल होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ बुरी है, कभी भी नहीं कहूँगा। किसी को अच्छा लगता है तो जो है ना बेशक लगाए, वो जान छुड़ाए, ठीक है, मार्बल की घिसाई और पॉलिशिंग से जान छुड़ाए। बस ये है कि इसकी जो है ना इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि ये चीज़ है पीछे से, ठीक है। और इसमें जो है ना 4:24 भी आता है, 6:24 भी आता है, जो मैंने आपको पहले जो शेयर किया उसमें भी 4:24 और 6:24 होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी के साथ, ये है। अब ये है सुप्रीम ब्लैक ग्रेनाइट। सुप्रीम ब्लैक ग्रेनाइट का मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो तकरीबन जो है ना 2.5-3 सूत तक जो है ना होती है, और इसकी लंबाई जो है ना आप माशाल्लाह से जो है ना 3 फिट तक भी रख सकते हो। आप इसको देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट जो है ना अभी 2 फिट से जो है ना ज़्यादा है, 4 इंच की जो है चौड़ाई है, लंबाई इसकी जो है ना 2 फिट 3 फिट आप रख सकते हो। आप इसको स्कर्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाइट मार्बल के साथ बेहतरीन लगेगा, वेरोना के साथ जो है ना बेहतरीन लगेगा ये, तो इसके साथ जो है ना बेज कलर में भी जो है ना ये बेहतरीन लगेगा। आप किसी भी जो है ना मार्बल के साथ ये लगाओ तो ये उठेगा, सिवाय ब्लैक का, ठीक है। अगर ब्लैक के साथ भी लगाए, सीढ़ियों के कंट्रास्ट में जो है ना लगाए, हाँ, अगर सीढ़ियों के ऊपर आपने वाइट मार्बल या वाइट या बेज कलर का मार्बल लगाया और ये लगा दिया तो इंतहाई बेस्ट रहेगा। तो ये है ग्रेनाइट। इसके रेट जो है ना मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, लेकिन छोटी सी जो है ना हिंट्स आपको ज़रूर दे देता हूँ कि इनके रेट जो स्टार्ट होते हैं वो 75 और 80 RS रनिंग फिट के हिसाब से जो है ना ये स्टार्ट होते हैं रेट, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और जो है ना ब्लैक में दिखा देता हूँ, हमेशा जुड़े रहे, मैं कुछ जो है ना डिफरेंस दिखाता हूँ। 2 चीज़ें मेरे पास ब्लैक में पड़ी हुई है, थोड़ा सा जो है उसका फ़र्क भी जो है ना आपको बता देता हूँ। एक तो टाइल मैंने दिखा दिया, एक ग्रेनाइट दिखा दिया, और अभी मैं मार्बल दिखाने वाला हूँ। अब इसको जो है ना आप देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग जो है ना, और ग्रेनाइट की शाइनिंग और टाइल की शाइनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ये मार्बल है,
हाँ ये रेड में सस्ता है, इसको भी आप जो है ना बेज कलर वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ सीढ़ी के साथ जो है ना आप लगा सकते हो। ये भी स्कर्टिंग है, इसका भी इसका साइज़ जो है ना आप 4x24 ही रख सकते हो, ठीक है। और इसका रेट जो है ना ब्लैक ग्रेनाइट से कम है, टाइल से भी कम है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसका जो है ना रेट देख लेना, वहाँ पर आपको रेट मिल जाएंगे। रेट जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए कि 75 से जो है ना इसके रेट स्टार्ट होते हैं, और सॉरी जो टर्वेरा है उनका 50 रुपीज़ जो है ना रेट स्टार्ट होता है, वो पूरा पीस जो है ना 50 रुपये का मिलता है, और इनका जो है ना रनिंग फिट जो है ना 75 रुपये से स्टार्ट होते हैं। एक चीज़ और मैंने आपके साथ जो है ना शेयर करने, ये आप देख सकते हैं इसको ब्लैक एंड गोल्ड ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना कहते हैं, इस कटिंग को भी जो है ना आप बेहतरीन करके जो है ना किसी भी मार्बल के साथ लगा सकते हो, कोई फ़र्क होने वाला नहीं। ये मैंने आपके साथ जितने भी इस कटिंग जो है ना शेयर किए, ये 4x24 के साइज़ में बेहतरीन लगते हैं, और ये पॉलिश में जो है ये विदाउट पॉलिश साइड है, इसकी शाइनिंग भी आप देख सकते हो, इसकी शाइनिंग ख़त्म होने वाली नहीं है, आप इसको बिला झिझक के बिला टेंशन लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी जो है ना 6x24 और 4x24 आता है। एक चीज़ जो है ना मैं आपके साथ और शेयर कर दूँ, ये देखो वाइट, अब वाइट को जो है ना आप ब्लैक के साथ जो है ना लगा सकते हो, बेहतरीन लगेगा। इसको अगर आप स्टेयर के साथ लगाओ तो तब भी बेहतरीन लगेगा, मतलब इस तरह की कॉम्बिनेशन जो है ना आप जेन में रखें कि यार ये स्कर्टिंग है, 5 6 7 किस्म की जो है ना स्कर्टिंग होती है, और स्कर्टिंग को जो है ना आप 4x24 के सूरत में आप लगा सकते हो बिला टेंशन, बिला बेहतरीन करके जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो। तो वेल मैंने आपके साथ जो है ना ये स्कर्टिंग के हवाले से जो है ना कुछ रिव्यूज़ शामिल किए कि यार कुछ लोग हमें बोलते हैं कि यार स्कर्टिंग हमें चाहिए और स्कर्टिंग कौन कौन सी हो चाहिए, तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना स्कर्टिंग के हवाले से थी। उम्मीद है इस तरह की जो है ना बहुत सारी वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, आप कमेंट्स में हमें बताएं, हम उसके हवाले से जो है आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, जजाक अल्लाह खैर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।